दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुल्ताना रसोई में स्वागत है सबका। तो चलते हैं एक अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ। है मटन बिरयानी। देखिए मटन बिरयानी, ये मैं गोश्त धो के रख ली हूँ। 1 kg मटन अच्छे बड़े बड़े पीसेस करा के रख ली हूँ धो के साफ करके। अब इसमें जो जो इन्ग्रीडियंट्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। हल्दी इसमें नहीं चाहिए दोस्ती, हल्दी डालने से बोटी काली होती है। नमक अपने स्वाद के हिसाब से लीजिए आप, जितना आप खाते हैं अपने हिसाब से। मिर्ची देखिए 1 टीस्पून डालिए, लाल मिर्च है। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट डालूँगी मैं, ये है 1 चम्मच। ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें जाएगा हरा मसाला, एक कोथमीर पुदीना वगैरह सब जाएगा इसमें। एक एक मुट्ठी जल डाल दूँगी मैं इसमें, सब जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए उसे इसे अच्छे से मिक्स कर, इसे मिक्स करने के बाद और भी इन्ग्रीडियंट्स मैं बताऊँगी आपको। इसे पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए दोस्तों, इसे मिक्स कर ली हूँ मैं। अब एक प्याज की कच्ची प्याज, अब तली भी डालूंगी मैं, ये पहले कच्ची डाल रही हूँ। एक मीडियम से इसकी प्याज लीजिए, इसे बारीक बारीक काट के इस तरह से डाल लीजिए। और थोड़ा गरम मसाला भी डालूंगी मैं। ये देखिए दोस्तों, जो गरम मसाला है ये भी डाल दूँगी। डाल के सभी अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से मिलाएँ दोस्तों, ताकि रोटी में मसाला अच्छे से चले जाए। इस तरह से के लिए अच्छा इसमें मसाला जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं रखूँगी फिर। और देखिए दोस्तों, इसे मिक्स करके रखी थी ना मैं, इसे आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें और भी जो मसाले पड़ते हैं वो आपको मैं बता दूँगी। इसमें जाएगी तली हुई प्याज, 1-2 से 3 डाली मीडियम साइज़ के लेके तल के डाल लीजिए। देगा तेल, देगा तेल। देखिए दोस्तों, ये तेल भी डालूंगी मैं, प्याज तल के रखे थे वही तेल है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। इसे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ढककर। तब तक अपन अदहन का पानी रख देंगे चूल्हे। तो ये देखिए दोस्तों, अब बासमती चावल मैं 1 किलो ली हूँ, इसे धोकर अच्छे से रख ली हूँ। आधा घंटा भी रख सकते हैं आप, 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो जल्दी पक जाएगा, अगर आप कम टाइम रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आधे घंटे से रखी हूँ, अब मैं अदहन में चढ़ाई हूँ चूल्हे पे। देखिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ आपको बताऊँगी। अदहन पे देखिए, थोड़ा सा शाही ज़ीरा, तेज पत्ता, देखिए थोड़े से लौंग और इलायची, और ये है चकला, थोड़ा सा डाल दीजिए। और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, निथारने में चले जाएगा, ज़्यादा भी पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक डाल दीजिए, पानी बाद में जब अपन चावल डालते हैं चक ले। थोड़ा तेल भी डालिए ताकि चावल अपने हरे रहें। और इसमें जाएगा हरा मसाला, थोड़ा सा तेल डाल दूँगी ताकि चावल खिले खिले बने। नींबू भी आप डालिए, अच्छा हरेरा खिला खिला बनता है। देखिए हरा मसाला और हरी मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नींबू भी डाल दूँगी ताकि चावल खिले खिले पके। ये अच्छे से मिक्स करके रखी थी मैं, इसे ऐसे ऐसा पोछे मारिए ताकि बोटी के अंदर तक मसाले चले जाएं। देखिए अच्छे से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे रख के। और भी मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी, 1 या 2 आप डाल सकते हैं।
मैं डेढ़ नींबू डाल रही हूँ। और देखिए, एक किलो गोश्त के लिए 1.25 किलो 200 ग्राम दही डालिए और 1 से 2 नींबू डालिए। बहुत टेस्टी बनती है, हैदराबादी बिरयानी है ये, जिसे खा कर आप खुश हो जाएंगे। कच्ची अपने की बिरयानी। देखिए दोस्तों, इस तरह अच्छे से मिला लें। अब जैसे ही अदहन का पानी, देखिए मैं अदहन का पानी, ये देखिए ये पानी भी बॉईल होने आ रहा है। अब मैं इसमें से थोड़ा पानी लेकर गोश्त में डालूंगी अखने में, ताकि नीचे ना लगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें है ना, ये जो मैं पानी बॉईल करने रखी थी, उसी में से थोड़ा मैं एक मग ली हूँ, ताकि अखने में दाग ना लगे और अच्छे से गोश्त भी गल जाएगा। नीचे रहता बस इतना ही पानी चाहिए, ज़्यादा मत डालिए, बस इतना काफ़ी है। अब इस पर मैं जैसे ही चावल हो जाएंगे मैं डाल दूँगी, इसे रख दूँगी इस साइड में। और देखिए पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं चावल डालने जा रही हूँ। और चावल जैसा ही एक कनी होते ही पहला जो लेयर होता है, एक ही कनी पे डाल देना दोस्तों। फिर थोड़ा पकने के बाद फिर नीचे के जो चावल रहते हैं बहुत कच्चे रहना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। अब फौरन मैं अखनी में डाल दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, पूरे चावल में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ एसेंस डालूँगी, ताकि अच्छे से खुशबू आए। थोड़ा सा रोज़ एसेंस, और तो मैं गरम मसाला भी ऊपर से डालूँगी। डालूँगी थोड़ा सा कलर और थोड़ी सी प्याज, देखिए थोड़ा सा कलर डालूँगी, जो ज़ाफ़रानी कलर होता है। आपके पास ज़ाफ़रान के कारियाँ अगर है तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा, उसकी तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अच्छा कलर आता है। गरम मसाला डालूंगी ऊपर से और थोड़ी तली हुई प्याज डालूंगी और थोड़ा सा फिर हरा मसाला डाल दूंगी। और ये कच्ची यखनी की है दोस्तों, इसे हाई फ्लेम पर रखिए। हाई फ्लेम पर रख के देखिए, आप जैसे ही फुल भाप तवे से निकलिए, देखिए हो चुका है। अब मैं ये ढाँक दी हूँ, जैसा ही यहाँ से तेज़ भाप आए तब तक आप पकाइए हाई फ्लेम पे। जैसा ही भाप आने लगे स्लो कर दीजिए, नीचे तवा रख के स्लो आंच पे 15-20 मिनट तक रखिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं असली घी भी थोड़ा डाल रही हूँ, ताकि और अच्छे से मिला जाए। ये आपको मैं बताना भूल गई थी, इस तरह से डाल दें। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें भाप अच्छे से आ रही है। अब ये देखिए भाप निकल रही है, देख रहे दोस्तों। अब मैं इसके नीचे तवा रख दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, बिरयानी देखिए मेरी दम हो चुकी है। देखिए कितनी खिली खिली बनी है, देखिए दोस्तों ज़बरदस्त, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब मैं डिश आउट करके बताऊँगी थोड़ी देर में आपको। शुरू। तो देखिए दोस्तों, मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई मेरे तरीके से। बनाइए आप, सब लोग खाइए, खुश हो जाइए। आप लोग खा के आसान तरीके से मैं बताइए, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। बाय दोस्तों।